गाजीपुर में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। ऐसे में गाजीपुर के जन प्रतिनिधि भी कोरोना का शिकार हो रहे हैं। शनिवार को गाजीपुर में 35 कोरोना से संक्रमित मरीज पाए गए, लेकिन बड़ी खबर यह है कि इन 35 मरीजों में गाजीपुर की एक विधायक और उनके पति भी शामिल हैं। इस खबर के सामने आते ही जिले में हड़कंप मच गया है। आइए आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। दरअसल आज मिले 35 कोरोना संक्रमित मरीजों में गाजीपुर के जमानिया विधानसभा की विधायक सुनीता सिंह और उनके पति परीक्षित सिंह भी शामिल हैं। इस बात की जानकारी गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जीसी मौर्या ने दी है। ऐसे में ये साफ समझ में आ रहा है कि अब कोरोना से गाजीपुर के जन प्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं रह गए। आइए अब आपको बाकी मरीजों के बारे में विस्तृत जानकारी दें। आज मिले 35 मरीजों में से एक टिकरी मैनपुर, एक इस्लामपुरा बहादुरगंज, एक गाजीपुर के संक्रमित पाए गए हैं। वहीं एक कलेक्ट्रेट गाजीपुर का कर्मचारी भी शामिल है। इसके अलावा दो मरीज बीरपुर भावरकोल मोहम्मदाबाद के संक्रमित पाए गए हैं, एक मरीज चंदन नगर, एक मरीज पुलिस लाइन सदर, एक मरीज गोपालपुर खालिसपुर, एक मरीज भावरकोल, एक नवली जमनिया और एक मर्दा के भी पाए गए हैं। एक मरीज मर्दा थाना से तो दो विकास भवन से भी पाए गए हैं, एक कटरिया धर्मपुर, एक सदर अस्पताल, एक एसपी ऑफिस सदर गाजीपुर में भी पाए गए हैं, एक करमपुर, एक सोनवर्षा कासिमाबाद, एक धरवर कला कासिमाबाद, एक बहादुरगंज, एक परसपुरा चौरा जखनिया के भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, एक वार्ड नंबर 14 मोहम्मदाबाद, तीन बड़ी बाग, दो डेढ़गावा, एक विष्णुपुर, एक चैनपुर वार्ड नंबर 2 सादात और एक वार्ड नंबर 3 सैदपुर से संक्रमित पाए गए हैं। जिले में रोजाना बढ़ रहे मरीजों की संख्या एक चिंता का विषय बन गया है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी अपना ख्याल रखें, बिना जरूरत बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें, मास्क पहने और कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करें। और गाजीपुर की ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।